जैसा कि आपसे हमने बताया था कि अगला व्लॉग मेरा सेब के बाग और अखरोट पे आएगा, अखरोट के बगीचे, पेड़ पौधे ये सब दिखाया जाएगा। तो फाइनली मेरा व्लॉग आ चुका है, आप लोग मेरे व्लॉग में बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो फाइनली मैं बाग में आ चुका हूँ, ये देखो यही है सेब का पेड़, और ये जूम करके भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पेड़ में आते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब पेड़ लदा होता है तो एकदम दुल्हन की तरीके से सजा होता है पेड़। सेब का छोटा ही पेड़ होता है जिसकी वजह से इसकी टहनियाँ फटने का डर रहता है, इसीलिए इसमें बांस पल्ली वगैरह लगा दिए जाते हैं, और इसका पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, एक अमरूद के पेड़ की तरीके से होता है। बस छोटा का नज़ारा और इसकी टहनियाँ देखिए, और सेब भी देख सकते हैं आप, ये देखिए। आज आपको हम वो नज़ारा बाग में घुस करके दिखा रहे हैं, ये देखो बहुत ही ज़्यादा इसमें आता है। आज आपको हम बहुत ही नज़दीक से दिखा रहे हैं, ये बहुत ही नज़दीक से आप देख सकते हैं कि पूरे पूरे गुच्छे होते हैं, हर बारी टहनियों को थोड़ा सा काट दिया जाता है क्योंकि इसमें फल ज़्यादा आए, क्योंकि जितने भी नए कल्ले निकलेंगे उसमें उतना ही फूल आएगा और उतना ही फल आएगा, इस वजह से कि टहनियों को थोड़ा थोड़ा सा काट देते हैं। एक पेड़ में एक कुंटल से ज़्यादा भी आता है सेब। ये देखिए बाग, काफ़ी लंबी बाग है, काफ़ी बड़ी भी है, हर पेड़ में बहुत ही ज़्यादा सेब लगा हुआ। अब इस बार का सेब की फसल काफ़ी अच्छी हुई है क्योंकि इसमें बगैर दाग का सेब, और मैं भी इस बाग में आया हूँ जो छू के बता रहा हूँ सेब को, घास लगी हुई है, अभी इसकी कटाई नहीं हुई है, घास की पेड़ भी काफ़ी है, और ये है अखरोट की पेड़, इसका अखरोट फूट जा चुका है, ये थोड़ा सा काफ़ी बड़ा होता है जो क्योंकि इसके पत्ते इसी तरीके से होते हैं। ये अपने यहाँ का जिसे यूपी का अर्जुन के पेड़ की पत्ते होती है इसी तरीके से होता है, इसका थोड़ा सा पेड़ बड़ा होता है, बाकी ये इतने ही ऊंचे होते हैं। देखो ज़्यादा बड़ा पेड़ ये भी नहीं होता है, ना ज़्यादा छोटा होता है, बाकी चारों तरफ ये अखरोट के पेड़ हैं। ये देखो ये अखरोट आए हुए हैं जो हरी हरी आपको दिख रहे हैं, यही अखरोट है, यही इसका पेड़ है, और ये अखरोट टूटे हुए हैं, तोड़े जा रहे हैं, ये सब टूटे उतारे जा रहे हैं, और ये भाई ऊपर से झोर रहे हैं अखरोटों को तोड़ तोड़ के नीचे गिरा रहे हैं। ये हैं अखरोट के पत्ते, पेड़, ये सब पेड़ ही पेड़ हैं, ये अखरोट की बाग है, ये भी काफ़ी बड़ी है, ये ऊंची नीची जगहों में ज़्यादातर आते हैं, फिर भी कश्मीर में प्लेन जगह वैसे भी नहीं है, ज़्यादातर सब ऊंचे नीचे जगह होती है। ये उसी का पेड़ है, ये भी उसी का पेड़ है, ये बाग है, मैं उसके अंदर से दिखा रहा हूँ, इसमें तार वगैरह चारों तरफ लगे होते हैं, मगर फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरीके से, जितना हमसे हो सकेगा आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये टूटे हुए अखरोट बोरी में भरे हुए हैं, ये हैं अखरोट जो सूखे हुए हैं,
और ये आप देख सकते हैं, अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ये है कागजी अखरोट जो बहुत ही अच्छे होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आसानी से टूट जाते हैं। अभी आपको हम तोड़ के दिखा रहे हैं, इसको तोड़ के आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत ही आसानी से खुल जाता है और फिर ये हाथी से टूट जाता है, बाकी वो जो दूसरे वाले अखरोट होते हैं वो नहीं टूटते हैं। ये देखो, ये आप देख सकते हैं इस आकार में होता है ये, अब ऐसा निकलता है इसके अंदर, ये अखरोट है तो सूखा हुआ है, इसको फोड़ के ऐसे निकलता है कि चीड़ के पेड़ हैं जो, ये रास्ता है जो टेढ़े बच्चे होते हैं जो पहाड़ियों के करीब से निकले हुए होते हैं। यहाँ कश्मीर में आप आओगे तो ये ऐसे ही रास्ते टेढ़े बच्चे दिखेंगे, ये सब पहाड़ हैं और ये सब चीड़ के पेड़ लगे हुए हैं, ये सब चीड़ के पेड़ लगे हुए ये रास्ते हैं। और ये आपको भी दिखा रहे हैं जूम करके, ये है चीड़ का पेड़ जिसमें ये लटकन ऐसे लगे हुए हैं, ये है अखरोट जो अभी हरे हैं, इसको फोड़ के फिर उस तरीके से सूखे जैसे दिखाए हैं वैसे निकलते हैं। ये सब चीड़ के पेड़ हैं, सब चीड़ के पेड़ हैं ये, और आपको और भी खूबसूरती दिखाना है, ये सब देखिए आप, ये अच्छी खूबसूरती है। आप मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहे, हम ऐसे ही आपको खूबसूरती दिखाते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले नए ब्लॉग में, तब तक दीजिए इजाज़त।